हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा घने लंबे बाल। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपके बाल तो लंबे हैं ही नहीं, पर आप वीडियो बना रही हैं लंबे बालों पे। भाई मैं बता दूं कि मुझे हमेशा से छोटे बाल ही पसंद हैं, लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उनको कैरी नहीं कर पाती हूँ। मुझे हमेशा छोटे बाल ही पसंद है, इसलिए मैं हमेशा अपने बालों को की कटिंग करके ही रखती हूँ, इसलिए मेरे बाल छोटे हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाल लंबे हैं या छोटे हैं मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमारे बालों में साइन कितनी है। हमारे बाल बेजान तो नहीं है, रूखे सूखे तो नहीं है, दो मुँहे तो नहीं है। अगर दो मुँहे बाल हैं, रूखे सूखे बाल हैं, तो फिर क्या होता है, जब हमारे चाहे कितने भी लंबे बाल क्यों ना हो मगर मज़ा नहीं आता है। इसलिए आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। जो लोग परेशान हैं अपने रूखे सूखे बालों को लेकर, जिनके बालों में बिल्कुल शाइनिंग नहीं रह गई है, बिल्कुल बेजान से हो गए हैं और दो मुँहे हो गए हैं बाल, और फिर आजकल बरसात का मौसम है, बालों का झड़ना भी बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं। ऑलमोस्ट सारे घरों में ये प्रॉब्लम्स लेडीज़ को हो रही हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको दिल से लगे कि हाँ ये लेडी मेहनत कर रही है, तभी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ उसकी हेल्प से आपके बालों में नई जान आ जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और आपके बाल एकदम साइन हो जाएंगे, साइन करने लगेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर आप ऐसी क्या चीज़ ट्राई करने लगी हैं कि आपके बाल इतने साइनिंग करने लगे हैं। मैं बता दूं कि मेरे बाल छोटे ज़रूर हैं बट मेरे बाल इतने साइनिंग मारते हैं ना, मैं जब धूप में निकल जाऊँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा साइन करते हैं। तो क्यों करते हैं, और वो चीज़ मैं भी यूज करती हूँ, खुद मैंने अपने ऊपर ट्राई की है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। एलोवेरा जेल के बारे में सुना होगा, सुना ही क्या होगा, आपने यूज भी किया होगा एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है हमारे फेस से। तो एलोवेरा जेल के बारे में तो आपने सुना है, बट मैं आज बात कर रही हूँ एलोवेरा ऑयल के बारे में। जी हाँ, एलोवेरा ऑयल से जब आप अपने हेयर की मसाज करेंगे, उनको डेली आप मसाज करेंगे या फिर आप हफ्ते में दो बार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर फॉल की तो आप हफ्ते में तीन बार उसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीक में टू टाइम्स इसको ट्राई कर सकते हैं। और बाल धोने के दो घंटा पहले ही आपको उससे अच्छे से मसाज करनी है, एलोवेरा जेल के ऑयल से आपको अच्छे से मसाज करनी है। जब आप उसको वॉश करेंगे, आप मतलब दो घंटे के बाद उसको वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। तो एलोवेरा जेल से एलोवेरा ऑयल कैसे बनाते हैं, चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें एक एलोवेरा की पत्ती लेनी है, उसका अच्छे से पल्प निकाल लेना है, जितना भी जेल है उसमें वो सब निकाल लेना है, और उसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है और मिक्सी में उसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से उसको ब्लेंड कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक कटोरी में नारियल का तेल लें। जब आप नारियल का तेल लेंगे, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके हेयर ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से लीजिए, कम है तो उस हिसाब से लीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जब ये मसाज करनी है तभी ऑयल बनाना है, ऐसा नहीं है, आप ऑयल बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नारियल का तेल लेना है आपको एक कटोरी में, एक पैन में, उसके बाद उसको गर्म कर लेना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद आपको जो आपने ब्लेंड किया था एलोवेरा जेल, उसको आपने ऑयल में डाल देना है। जब आप ऑयल में डाल देंगे, उसके बाद उसको पकाना है, काफ़ी अच्छे से उसको पकाना है, जो आपने एलोवेरा जेल डाला है वो एकदम ब्राउन हो जाए। जब वो ब्राउन लगने लगे तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, और जो ऑयल आपका बनाया है आपने वो गैस पर से उतार लें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसको आप छान लें, और एक स्प्रे बॉटल में या फिर किसी शीशे की बॉटल में आप उसको
ट्रांसफर कर लें। शीशे की बोतल में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप शीशे की बोतल में कोई डिब्बी हो छोटी सी उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसमें ट्रांसफर कर लीजिए और बस उससे आप अपनी मसाज कीजिए बालों की, और हफ्ते में 2 बार कीजिए। सर धोने से 2 घंटा पहले करनी है आपको, और आपको उस ऑयल में और कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही यूज करना है। जब आपको लगाना है तब भी आपको उसको गर्म बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरीके से लगाना है जैसा आपका आपके पास रखा होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अपने बालों में कितना फर्क नजर आएगा, मतलब इतनी ज्यादा शाइनिंग आएगी। आप जब 1 हफ्ता उसको यूज करेंगे ना, सिर्फ 2 टाइम्स आप उसको यूज करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छी शाइनिंग मिल जाएगी अपने बालों में। तो आप उसको जरूर यूज कीजिएगा। आपके जो रूखे सूखे बेजान से बाल होंगे ना, एकदम खिल उठेंगे। और अगर आप के बाल सिल्की नहीं है तो बहुत सिल्की हो जाएंगे। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बाल बहुत ही सिल्की हैं। इनफैक्ट मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि मेरे बाल इतने सिल्की हैं कि मुझसे नहीं संभलते। तो बस यही चीज आपके पास साथ होने वाली है, और सिल्की बाल कौन नहीं चाहता, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल सिल्की हो। सिल्की बाल होते हैं तो फिर वो शाइन भी अच्छी करते हैं, शाइन भी ज्यादा करते हैं। तो बस यही है हमारी आज की ट्रिक। अगर पसंद आए तो ओके, बोलूंगी नहीं, बताऊंगी नहीं क्या करना है। अगर आपको ठीक लगे तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा, और तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।